ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज तारा मालिक एंड आई एम एडिक्शन काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर एंड कपल थेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे ज्यादा मेन और बेसिक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जो रिपोर्ट की जाती है वो है लूजिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर। अब यहाँ पे जो है वो इशू क्या होता है कि हमें लगता है कि शायद ये ऐसा कल्प्रिट है जिसकी वजह से मेरा फर्दर रिलेशनशिप जो है वो डैमेज हुआ, जबकि आपकी ये जो रीजन जो है आपको जो लग रहा है वो रीजन नहीं है, वो रिजल्ट है। आपके पहले के रिलेशनशिप डैमेज होने के जो फैक्टर्स थे आप उन्हें ओवरलुक कर रहे होते हैं और रिजल्ट को, आउटकम को जो है वो आप बेसिक फैक्टर समझ रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये रिलेशनशिप के इश्यूज जो है वहाँ पर आते हैं जब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहे होते हो। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वो शादी के बाद वाला जो है 5-6 साल का अरसा हो सकता है, वो शादी से पहले वाला भी रिलेशनशिप का अरसा हो सकता है, जिसमें आप मोस्टली जो है वो अपना दिन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अपने पार्टनर को देते हो। स्टार्ट में जो है वो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर जो है केयरिंग होता है टुवर्ड्स यू, आपको लेकर पोजेसिव भी होता है। अब वो चीज़, वो जो सीज़न है, वो जो एक एपिसोड है, वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती है। इंसानी नेचर है कि वो एक तजस्सुस की जो है वो उस पर एक एलिमेंट है, और जब आप एक चीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हो तो आपकी वो जो क्यूरियोसिटी का लेवल है वो खुद बहुत कम हो जाता है। इसको आप साइंटिफिकली डोपामिन सेरोटोनिन के लेवल के साथ जो देख सकते हो कि जब आप न्यू चीज़ आपको मिलती है, आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप एक्साइटेड होते हो, आप वो ड्रेस जो है वो एक दो दफ़ा पहनते हो और आपकी एक्साइटमेंट लेवल उस तरह से नहीं रहती। क्या उस ड्रेस की वर्थ जो है वो कम हो जाती है? नहीं, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लोर कर लिया, आपने लोगों को दिखा लिया, आपको जब जो आपको एक फीलिंग आनी थी, एक लवली फीलिंग जिसको आपने महसूस करना था, वो आप कर चुके हो। ये डेफिनेटली इसको हम इंसानी जो है वो चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि इंसान की नेचर और इंसान की ह्यूमन बॉडी की जो है वो एक मैकेनिज्म है। जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा पॉपअप करती है और बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हो। रिलेशनशिप में क्यों ये प्रॉब्लम आती है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तो एक दूसरे के साथ जो है वो स्पेंड करने लगते हो, तो आपके पास कोई ऐसी नई चीज़ जो है वो शेयर करने के लिए नहीं होती है, नई चीज़ बताने के लिए नहीं होती है। और लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि कुछ नया प्लान भी नहीं करते हैं। आपके रिलेशनशिप में एक डलनेस आ जाती है, बोर्डम आ जाता है। यहाँ पे एक जो है वो बेसिक फैक्टर जो मियाँ बीवी के रिलेशन में आता है वो है सेक्सुअल ड्राइव्स का जो है वो डिफरेंसेस। अब वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है वो डिस्कस नहीं करते उस टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये ड्रेस मेरे पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझ पे सूट उस तरह से कर रहा है जैसे पहले करता था, या कोई भी कंडीशन हो सकती है और आपको पता है कि ड्रेस आपके पार्टनर पे उस तरह से जो है वो बेहतर तरीके से नहीं दिख रहा है जैसे पहले दिखता था, या न्यू ड्रेस है तो आपको लगता है कि कहीं किसी ना किसी एंगल से थोड़ी सी ऑकवर्ड जो है वो एक फीलिंग आ रही है। तो उसमें अगर आप जो है वो डायरेक्टली उन्हें कह देंगे कि भाई तुम हेल्दी हो गई हो, या फिर तुम्हारे जो है बहुत ज़्यादा थिन हो, ये स्टाइल ऐसा है जो आप पे सूट नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, अगला बंदा हर्ट होगा। और हर्ट करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है हेल्प करना। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्प कर रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं। आप बहुत नाइसली इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके आप पर, लेकिन मुझे लगता है कि जो जो है वो आपके क्लोजेट पे जो दूसरा ड्रेस पड़ा है वो आप पे ज़्यादा सूट करेगा, या अकॉर्डिंग टू जो है वो सिचुएशन आप कह सकते हैं कि इस इवेंट पे या इस सेरेमनी पे या इस गेट टुगेदर पे ये ड्रेस ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो इस तरह से आपने उनको जो है ना तो लोग होने दिया, ना उन्हें बुरा लगने दिया, ना मोमेंट स्पाइल होने दिया, और आपने करेक्शन भी कर दिया। और बाद में अगर उनके वेट का कोई इशू है या पेरेंट्स का कोई इशू है, यहाँ पे बॉडी शेमिंग मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, आई एम ऑल्सो हेल्दी वन पर्सन, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें बहुत पॉजिटिव वे में मोटिवेट कर सकते हैं। अब वो पॉजिटिव वे में मोटिवेट कैसे करेंगे, वो हम किसी दूसरी जो है वो वीडियो में कम्युनिकेशन को किस तरह से पॉजिटिव किया जाता है उस पर बात करेंगे। अब ये फैक्टर्स हो गए हमारे वो जो रिलेशनशिप को स्पॉइल करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर वो है हमारा एंगर। अब
ये एंगर वो एंगर है जो हम बहुत देर बहुत अरसा से होल्ड करके रखते हैं, इसको हम कहते हैं पैसिव एंगर। और ज़्यादातर ये जो है प्रॉब्लम रिलेशनशिप में किन लोगों को आती है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं फीमेल्स जो है वो इस एंगर को एक्सपीरियंस करती हैं, और मेल वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पे फीमेल जो है डोमिनेटेड होती है, या फिर उनके कन्फ्लिक्ट्स आते हैं या कम्युनिकेशन गैप आते हैं, तो वो फर्दर कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए बात को ओवरलुक करते जाते हैं। हमें ये लगता है कि हम ओवरलुक कर रहे हैं और हमने एक नेगेटिव सिचुएशन को होने से बचा लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने वो एंगर जो है होल्ड किया, उसको पैसिव एंगर में कन्वर्ट किया, और अब वो पेंट अप इमोशंस बन जाएंगे, और वो फिर अचानक किसी गैर मामूली बात पे, कोई इतनी इम्पॉर्टेंट बात भी नहीं होगी, और वो जो है वो आपका आउटबर्स्ट निकलेगा, जिसको आप बाद में जो है वो उसकी वैलिडेशन आप नहीं दे पाएंगे आप उसके लिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि आउटबर्स्ट हमेशा एक छोटी सी मामूली सी बात पे निकलता है। ओके जी, ये वो फैक्टर्स थे जो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, एड्रेस करने की कोशिश की है, जो ज़्यादातर कॉमन फैक्टर्स हैं जो हर कपल में, हर दूसरे कपल में अगर बात की जाए तो ये फैक्टर्स जो हमें पाए जाते हैं। वैसे तो एक बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है फैक्टर्स की, लेकिन अगर हम इन फैक्टर्स के ऊपर काम कर ले तो हमारा रिलेशनशिप बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आप रिलेशनशिप जो अनहेल्दी हो चुका है उसको दोबारा से हेल्दी कैसे किया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो, और ह्यूमन बिहेवियर इतनी इनकी एक खूबसूरती है, एक खूबसूरत बात है कि इनको हम कभी भी ठीक कर सकते हैं मेहनत से। अब वो उसको ठीक करने के लिए करना क्या पड़ेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई बात है पूछनी या फिर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई हेल्प चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं ओला डॉग के ज़रिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू।